और उस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, खबर दिल्ली से आ रही है, बहुत बड़ी खबर। डीपीएस मथुरा रोड में बम होने की खबर, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो मथुरा रोड का है उसमें बम होने की खबर है। डीपीएस में बम रखे जाने का ईमेल आया है, उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जांच जारी है। डीपीएस मथुरा रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो मथुरा रोड पर है उसमें बम होने की खबर है। हमारी संवाददाता आजातिका भी हमारे साथ हैं। जी आजातिका, क्या खबर है, अपडेट है, क्या जांच जारी है, कुछ जानकारी मिल पाई इस पर? जी बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मथुरा रोड से, और ये डीपीएस स्कूल आप देखेंगे, डीपीएस स्कूल के बाहर पेरेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बॉम्ब के होने की खबर मेल के जरिए प्राप्त हुई है और मेल पर ये जानकारी दी गई है, जिसके बाद में जाहिर तौर पर क्योस ज़रूर है, लेकिन अब एकाएक बच्चों को बाहर लाने का सिलसिला शुरू हुआ है। स्कूल प्रशासन की तरफ से जाहिर तौर पर ये कहा जा रहा है कि बच्चे अंदर सुरक्षित हैं, पेरेंट्स बड़ी संख्या में यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। हम पेरेंट्स से भी बात कर लेते, मेल के जरिए यह जानकारी दी गई है कि अंदर बॉम्ब हो सकता है। ऐसा कुछ दिन पहले भी एक स्कूल के साथ हुआ था, और यहां पर कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करके देख लेते हैं। मैडम, बच्चा है आपका अंदर? हाँ जी। कौन सी क्लास में है? देखिए भावुक है, डर, अंदर बॉम्ब स्क्वाड है मैम, किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बताया जा रहा है, सेफ है, बच्चे सुरक्षित है। ये देखिए बच्चे बाहर आ रहे हैं, देखिए पेरेंट्स के लिए बेहद मुश्किल समय, बेहद भावुक हो रहे हैं पेरेंट्स। छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो जानकारी है ये लगातार बताई जा रही है कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको बिल्डिंग से निकाल कर जो ग्राउंड है, जो खाली ग्राउंड है, वहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है, एक ग्रुप बना दिया गया है, और सेक्शन वाइज छोटे बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं आपको बता दें, दूसरे गेट से बॉम्ब स्क्वाड जो है वो अंदर जा चुका है। बॉम्ब स्क्वाड पूरी तरीके से अंदर छानबीन कर रहा है, अंदर हर एक जगह की, हर चप्पे चप्पे की चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था चेक की जा रही है। और कुछ और पेरेंट्स जो हैं उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योस ना हो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। देखिए नन्हे नन्हे से बच्चे आपको निकलते हुए यहाँ से नजर आएंगे। आपका नाम? मिली। अब थोड़ी सांस में सांस आई जब बच्चा बाहर आया। कब कॉल आई थी, कब आपको पता चला कि ऐसा कुछ स्कूल में कॉल आया? 10 मिनट्स हुए हैं कॉल आया है मैम का, और हम आ गए हैं लेने बच्चों को। हाँ जी। क्या बताया गया था? बस इट्स एन इमरजेंसी। बस आपका भी बच्चा बाहर आ गया, क्या अब शांति मिली, अब थोड़ा चैन में चैन आया? हुआ क्या है मुझे तो नहीं पता, नहीं मालूम आपको। जी देखिए छोटे छोटे बच्चों का इंतजार कर रहे हैं पेरेंट्स, बाहर आ रहे हैं। सर आपकी बच्ची भी अब बाहर आ गई है, अभी एक और बात, ट्विंस हैं अभी अंदर हैं वो। क्या कुछ जानकारी मिली थी सर पेरेंट्स को, क्या कुछ आपको बताया गया? कुछ नहीं पता, अभी बाद में बात करेंगे, बॉम्ब मिला है बस ये बता रहे हैं, पता लगा अभी। तो देखिए जाहिर से बात है, जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं, घबराए हुए हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करें। लेकिन एक और स्कूल में पहले भी हमने देखा था, वहां पर भी इस तरह की घटना सामने आई थी, इसी तरह से ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। अब डीपीएस मथुरा रूट पर पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है अभी तक? अभी फिलहाल जांच हो रही है, उसके बाद ही कुछ बात की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श अभी जांच हो रही है, ये लगातार कहा जा रहा है, और अंदर से अगर जो जानकारी हमें बाहर मिल रही है तो स्कूल प्रशासन वक्त वक्त पर बाहर आ रहे हैं, और स्कूल प्रशासन की कुछ टीचर्स हैं वो लगातार ये बात बोल रही हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है, और बॉम्ब स्क्वाड अपना काम कर रहा है, यानी कि हर क्लासरूम को चेक किया जा रहा है, हर उस जगह को जहाँ पर संदिग्ध हो सकता है या संदिग्ध बॉम्ब रखे होने की बात हो सकती है, जानकारी हो सकती है, उस जगह को चेक किया जा रहा है। लगातार इस तरह की दूसरी जो सूचना है वो इस बार पुलिस को प्राप्त हुई है, और किसी स्कूल में ऐसी इंफॉर्मेशन दोबारा आई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, अभी कुछ दिन पहले की भी बात है, जब इंडियन स्कूल के अंदर भी कुछ ऐसे ही बॉम्ब को लेकर होने की खबर थी, और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही खबर है यहाँ पर। लगातार दूसरी बार इस तरह की ऐसी खबर का आना चिंता बढ़ाता है अभिभावकों के लिए भी, सभी नागरिकों के लिए भी। जाति का आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल वहां से लगातार बच्चों को अभिभावक लेकर बाहर निकल रहे हैं, ये अच्छी खबर है, और अभी तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया जाति का आपका पूरी जानकारी के लिए।